जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जी सर, ये स्टार्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर से कश्मीर और आर्टिकल 370 को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं, यूपीआई को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर, डॉक्टर जय शंकर साहब ने भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। आर्टिकल 370 को हटाना अब ये जो है इंडिया की हिस्ट्री बन चुका है, मतलब इसको रिस्टोर कभी नहीं किया जा सकता। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि कश्मीर को अपना बनाने के ख्वाब देखना छोड़ दो। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, या शायद बॉर्डर के ऊपर लिखा हो, वहां वाघा बॉर्डर के पास आपने ऊपर लिख दिया हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ना इस्लाम है वहां पे, ना जमहूरियत है, और ना लैंड ऑफ द प्योर है, ना लैंड ऑफ द प्योर। ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आजाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं, एक मोटो लिया हुआ है। जैसे कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं। सर, कुछ लोग कहते हैं कि यही सारी सूरत हाल देख कर शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे कुछ हफ्तों पहले, लेकिन आज तक तो यहाँ किसी ने रिजाइन नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है उनके बाद, कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा जो पाकिस्तान को बचा पाएगा वाले टाइम में? हल होता नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नजर यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हाल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर? फोर्स मीन जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो हिस्ट्री है। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि बार बार बीजेपी को बताना पड़ता है कि 370 इज ए हिस्ट्री। इट मींस कि वो इस चीज को समझते हैं कि कई लोगों को शायद ये गलत फहमी हो कि जो है वो 370 जो है रिस्टोर हो सकता है। सो नहीं, अब नहीं होगा। ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो वहां पे क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैं समझता हूं कि कश्मीर के हवाले से है, वो कहते हैं जी कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनका सेफ रिटर्न और उनकी रिहैबिलिटेशन जो है वो करनी है। इसके लिए एक मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम है जिसको वो शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जितने भी हिंदू रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वेलफेयर बोर्ड हैं, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी को, सबको जो है वो लेके आया जाएगा। वो कहते हैं जी कई दहाइयों से जो पंडित्स हैं वो इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी साहब जो है और जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसने ये बोल्ड स्टेप लिए हैं कि हम एक तो 370 की आपको पता है एब्रोगेट किया है, इसको क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, कई लोगों अब जारी बात है ये भी सवाल करते हैं, अच्छा कि अगर डिसमेंटल कर दिया तो देन वाई ये कहा जा रहा है कि अटैक्स हो रहे हैं, एक क्वेश्चन है। देन 73,000 जो गन्स दी जा रही हैं, आपको पता है ना अमेरिका से खरीद रहा है इंडिया, मजीद इंडिया ने तकरीबन 146,000 डेढ़ लाख के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से, किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए। खैर, एनी हो, दैट इज अनदर थिंग, बट द क्वेश्चन रिमेन्स के जी के जो कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन होगी,
ठीक है जी, जो वेस्ट पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, इंटरनली जो नेगलेक्टेड कम्युनिटीज हैं जिनको वाल्मीकि एंड गोरखास कहते हैं उनको जो है उनकी टेक केयर की जाएगी, और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया जाएगा कि जो कश्मीरी हिंदूज और सिखों के साथ जो उनको सॉल्यूशंस दिए जाएं और उनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जा सकें। ये एक मैं समझता हूँ कि दैट टेल्स द पिक्चर, ये पिक्चर जो है वो सामने आई है मुझे, जो मैं जिसको स्टडी कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैंने जब देखा था तो मुझे इस चीज़ में लगा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इस हवाले से वो कह रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों और अदर रिलीजियस माइनॉरिटी, मुसलमानों का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि हम काम करेंगे मिल के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हिंदुओं और सिखों के लिए। और जो दूसरी सर, कुछ लोग कहते हैं कि यही सारी सूरत हाल देख कर शहबाज शरीफ साहब रिजाइन करने वाले थे कुछ हफ्तों पहले, लेकिन आज तक तो यहाँ किसी ने रिजाइन नहीं आरजू रिजाइन दे दें ना दें क्या फर्क पड़ता है, उनके बाद कौन सा बंदा ऐसा आ जाएगा जो पाकिस्तान को बचा पाएगा? कोई है आपके नजर में ऐसा दूसरा शख्स जो अगर शहबाज शरीफ साहब छोड़ के जाते हैं तो वो बचा लेगा? खान साहब को आज पकड़ के बाहर निकाल लिया जाए तो वो क्या कर पाएंगे? किसी ने आज तक ग्रास रूट इशू के ऊपर तवज्जो देने की कोशिश की? किसी ने यहां से इखलाकियात को प्रमोट करने की कोशिश की है इस कंट्री के अंदर जो मैं कहूं कि आप बच पाएंगे? करप्शन पे हाथ किसी ने डाला है आज तक? सवाल ही नहीं पड़ता। आप छोटी सी मैं बताता हूँ आपको, आप शिनाख्ती कार्ड बनवा के दिखाएं बगैर पैसे दिए, आप जाके दिखाएं इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल, आप मुझे पासपोर्ट बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिखाएं रिश्वत दिए बगैर जाए जरा, आप बिजली का मीटर लगवा के दिखाएं मुझे रिश्वत के बगैर। और आपका क्या ख्याल है कि सब लोगों को पता नहीं है? सबको पता है, सारे हिस्से लेते हैं अपने, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यही है। मेरे जैसे लोग भाग के महाजर होके क्यों फिर रहे हैं आप बताएं? शौक किसी को? शौक से भागता है बंदा घर से। लेकिन सर फिर तो पाकिस्तान की तबाही में सभी का हाथ है ना, तो फौजी को अलग किया जा सकता है ना सिविलियन को। आरजू पाकिस्तान में आपका कसूर भी है, आपका कसूर। पाकिस्तान के अंदर जो भी जिंदा चीज है पाकिस्तान की तबाही में उसका हिस्सा है, तबाही में उसका हिस्सा है बिल्कुल। हर शहरी जो है वो करप्ट है वहां, हर शहरी करप्ट, हर पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों का कसूर है, एक बंदे का कसूर नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप कहें नहीं जी सियासतदान बड़े गंदे हैं जी, जाजे बड़े भैड़े हैं जी, फौजी बहुत गंदे हैं, सबके सब गंदे हैं भाई, सबके सब, सबका तो सर इनको क्या सर, इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है अब, ना ये कोई फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, ना ये कोई ट्रेड करते हैं, ये सिर्फ डोनेशन और लोन्स पे कब तक मुल्क चलेगा? मेरे जैसे बंदे ने मजबूर होकर सारी चीजें, आपकी हिस्ट्री पढ़ी, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ी, पठानों ने जिस तरीके से मारा इस के, उनका देखा, गोरे चंद आए थे, चंद चंद लोग हजारों में आते थे, महाभारत के ऊपर वो सत्यानाश करके चले गए कल्चर का जबान का, जाके मैं देखता हूं रुकता किस चीज पे, वहां के डीएनए, डीएनए हमारा डीएनए ऐसा है सर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अभी बलूचिस्तान में जो आईडी कार्ड देख के मारा गया था पंजाब के लोगों को, वो कहते हैं कि ये खुद करवाया गया है, ये लोगों ने खुद किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, या भाई करवाने वाले भी तो पाकिस्तान में से ही हैं, पाकिस्तान को बेचने वाले भी तो पाकिस्तान के अंदर से हैं, वो कौन से फ्रेंच है? आपके चीफ जस्टिस फ्रेंच तो नहीं ना, यही की पैदावार है ना जर्नैल। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने का, लेकिन बाकी आपको दोस्तों वीडियो और न्यूज़ कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।